आज सीएम योगी ने जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनी। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम और यात्री निवास में दरबार लगाया था और तड़के सुबह ही करीब 150 से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने सभी की बातों को सुना और वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान होना चाहिए, इस बात का ख्याल रहे, किसी के साथ अन्याय न होने पाए। यानी कि फरियादियों के सामने ही सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ और सख्त लहजे में कह दिया कि इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। वो हमेशा की तरह अपने आवास से नीचे उतरने और सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किए, उसके बाद अन्य देवी देवताओं का दर्शन करने के बाद ब्रह्मलीन पीठाधीश्वरों की समाधि पर जाकर शीश नवाया, मंदिर का भ्रमण कर साफ सफाई की व्यवस्था देखी, वहां से गौशाला गए, गायों के बीच थोड़ी देर रहे, फिर वो हिंदू सेवाश्रम पहुंचे जहां जनता दरबार में फरियादी पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। सीएम योगी हर फरियादी के पास पहुंचे और उनकी बात को सुना। अधिकतर फरियादी पुलिस की समस्या को लेकर पहुंचे थे। किसी का कहना था कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही, तो किसी ने कहा कि पुलिस विरोधियों से मिली है और कार्रवाई नहीं कर रही। एक महिला के पास पहुंचे तो वो अपनी व्यथा कहकर रोने लगी। महिला को चुप कराते हुए अधिकारियों से कहा कि इनके मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत कार्रवाई करें। कई फरियादियों ने तो पुलिस के खराब आचरण तक की बात कह दी। ये सुन सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई कि थाने में आने वाली जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए, टालम टोल करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों से कहा कि थाने पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा होनी चाहिए। जनता दरबार में आए अधिकांश फरियादियों को आरोप था कि थाने में बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होती। राजस्व के मामले आने पर सीएम ने कमिश्नर से कहा कि तहसील दिवस और थाना दिवस में आने वाली सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए, उन शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, शिकायतकर्ता को उनके मामले में की गई कार्रवाई से संतुष्ट किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस अवसर पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी, एडीजी अखिल कुमार, डीएम विजय किरण आनंद, एसएसपी विपिन टाडा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी ने फरियादियों की फरियाद सुनकर अधिकारियों को उनके सामने ही फटकार लगाई, वो वाकई देखने वाली बात थी। और सीएम योगी हर बार जनता दरबार में इसी अंदाज में फरियादियों की फरियाद सुनते हैं और त्वरित कार्रवाई के आदेश भी जारी करते हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।